पुणे की सरहद नामी गैर सरकारी तंजीम की जानिब से करगिल इंटरनेशनल मैराथन की तैयारी की जा रही है। करगिल जंग के बाद लद्दाख में पुणे की सरहद नामी एनजीओ ने करगिल के तालीमी मैदान में एक इनकलाब पैदा किया। सरहद एनजीओ ने करगिल और द्रास के सरहदी इलाकों के दर्जनों लड़के लड़कियों को फौज की इशराक से पुणे के आला स्कूलों में दाखिला फराहम करके उनके मुस्तकबिल को रोशन किया है। सरहद एनजीओ ने करगिल इंतजामिया के इशराक से एक मैराथन का एहतमाम किया, जिससे करगिल को भारत के सियाहती नक्शे पर लाने में मदद फराहम होगी। सरहद तंजीम के मुताबिक इस मैराथन को बैन अवी सतह पर भी और पिछले 6 सालों से सैकड़ों दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम महीद्दीन वानी ने मैराथन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने न्यूज 18 को जानकारी देते हुए कहा कि मैराथन का मकसद करगिल को इल्मी सतह में उजागर करना है, जिसके लिए इंतजामिया डीसी करगिल की हिदायत पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस साल 3000 के करीब खिलाड़ी इस मैराथन में हिस्सा लेंगे। जैसे आपको पता है कि पिछले काफी सालों से यह मैराथन करते आ रहे हैं, तो इस साल 6th इंटरनेशनल करगिल मैराथन जो कर रहे हैं हम 17th और 18th को, तो उसके अरेंजमेंट्स हम अभी मैं देखने आया यहाँ पे, तो इसी तरह से मैं हर अरेंजमेंट्स जहाँ जहाँ पे भी हमें करना है मैं देखूँगा, तो इसी का मैं असेसमेंट करने आया हूँ। मुझे यहाँ पे लगा कि अच्छा अरेंजमेंट्स हुआ है और कुछ कमियाँ जो थे हमने कंसर्न को बोला है कि वो इनको प्रोवाइड करें, जो टीम है सरहद से जो आए हैं या हमारे जो यहाँ के टीम है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से हम अरेंजमेंट्स करेंगे, पिछले जो सालों में हुआ है उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मेरा यही है कि जितने भी लोग हैं रनर्स में, जो रनर्स हैं वो अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करें, और जो हमारा थीम है इस साल का हुनरमंद रन फॉर हुनरमंद, तो ओवरऑल इस रन को करने का मकसद ये है कि हम करगिल को प्रमोट करना चाहते हैं। ये सरहद ने जो मैराथन चालू किया है यहाँ से, इसका एक मोटिव अलग था कि एक कॉज रिलेटेड जो मोटिव था इनका कि हमारा मतलब कि कारगिल वॉर के नाम से कारगिल फेमस था, तो उसको एक नया टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का और उसके लिए यहाँ का इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा उसके ऊपर से हमारे जो सरहद संस्था के अध्यक्ष है श्री संजय नाहर जी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ पे कुछ अच्छा करने का इसे सोचा। तो वो एक पहला हमारा ये था कि यहाँ पे एक अगर मैराथन करेंगे तो मैराथन में कैसे है कि दुनिया भर से पार्टिसिपेटर्स आएंगे, तो ये कारगिल उनको पता चल जाएगा, वहाँ से ऑटोमेटिकली टूरिज्म डेवलप हो जाएगा, तो ऐसे करके ये चालू किया। तो और यहाँ के लोगों को लोकल सपोर्ट बोलो, हिल डेवलपमेंट काउंसिल बोलो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, या हमें लद्दाख पुलिस बोलो, ये हमको हमेशा सपोर्ट करते आए ये चीज़ को, जिसकी वजह से हमारा उत्साह और बढ़ता है और ये रेस बहुत अच्छा कैसे होगा आगे, तो वो हिसाब से हर एक ईयर डेवलपमेंट के हिसाब से हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये साल हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, केन्या से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, यूएस से भी आ रहे हैं, जिन्होंने ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन किया है, और मेनली जो इंडिया के बहुत अच्छे रनर्स है मैराथन के प्रोफेशनल रनर्स, वो ये बार बहुत बड़े पैमाने पे इधर आए हैं। तो इधर यहाँ से अभी महाराष्ट्र में से कोल्हापुर रहेगा, बेलगाम रहेगा, ऐसे यूपी में से रहेंगे, राजस्थान में से रहेंगे, ऐसे बहुत अलग अलग जगह से रनर्स अच्छे से आ रहे हैं।